गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज विकास योगी एंड गाइज योर मोस्ट वेलकम इन योगी नर्सिंग कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। और गाइज सबसे पहली बात तो मैं आप सभी फ्रेंड्स को कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि गाइज आप ही के प्यार से, आप ही के सपोर्ट की वजह से आज कुछ ही समय के अंदर, लगभग ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 10 या फिर 12 दिन हुए हैं, 2 वीक भी पूरे नहीं हुए हैं कि अपने 1000 सब्सक्राइबर्स आज कंप्लीट हो गए हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत 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 बधाई फॉर सपोर्ट। और गाइज यूं ही सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि अगर आपसे अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो गाइज इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आगे आगे इन फ्यूचर के अंदर आपकी स्टडी के रिगार्डिंग नई नई जो टेक्निक्स हैं वो लेकर के आऊँगा, आपके लिए कंटेंट्स अच्छे प्रोवाइड करूँगा, देन और भी जो अदर फैसिलिटीज़ अपनी स्टडी की वो सब भी आपको मैं अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करूँगा। सो गाइज अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर बेटर सपोर्ट। और गाइज आज का जो अपना टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर, बेसिक कंसेप्ट के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। और गाइज ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के अंदर, भाई ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किसे कहते हैं, क्यों करते हैं, कितने ब्लड के कंपोनेंट होते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौन कौन से कंपोनेंट से क्या क्या क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट हो, प्लाज्मा हो, कोलोइड हो, होल ब्लड हो, सभी के क्वेश्चन से और सभी अपन ने डिस्क्रिप्टिवली डिस्कस किए हैं। और गाइज आज अपन डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हाँ थैंक्स ए लॉट गाइज। देन प्रोसीजर ऑफ ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, गाइज प्रोसीजर का मतलब है कि जब अपन किसी पेशेंट को, गाइज ध्यान रखना लिखे हुए से मतलब नहीं है, मेरी बात फिर से आप एक बार समझना, लिखा हुआ आप कहीं से भी परचेज कर लोगे, इतना सारा बहुत सारा आप परचेज कर लोगे, लेकिन उन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, अपने माइंड के अंदर एक शॉर्ट व्यू के अंदर उन चीज़ों का सेट होना ज़रूरी है। और गाइज इसी के लिए मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ कि आपको रटना नहीं है, आपको हर एक लाइन को नहीं बल्कि मैं आपको हर एक वर्ड यहाँ पे समझाऊंगा, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। अभी अपन ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज आज अपन पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। प्रोसीजर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है कि जब अपन किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो भाई ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने के लिए अपने को किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है, कैसे अपन ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। भाई देखो अगर अपन स्टेप्स की यहाँ पे बात करते हैं तो गाइज ध्यान रखना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अपने को 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। हे गाइस फोकस ऑन द पॉइंट, क्या कह रहा हूं मैं, अगर किसी पेशेंट को अपने को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो कितनी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, अपने को 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो 3 स्टेप्स कौन कौन सी है, सबसे पहली भाई अपन किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज तब कर पाएंगे जब अपने पास में ब्लड होगा, जब ब्लड बैंक के अंदर ब्लड होगा। सो गाइस ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले अपने को डोनर से ब्लड को कलेक्ट करना पड़ेगा, और कलेक्ट करने के साथ में ब्लड को ब्लड बैंक के अंदर सूटेबल टेम्परेचर के अंदर और प्रिजर्वेटिव एजेंट्स के साथ में प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। सो गाइज ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो पहली स्टेप है वो पहली स्टेप है कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड स्टोरेज ऑफ ब्लड, कि साहब डोनर से ब्लड को कलेक्ट करना है और कलेक्ट करने के बाद में क्या करना है, स्टोर करना है। तो गाइज कलेक्शन और स्टोरेज कितने टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं, क्या प्रिजर्वेटिव अपन कौन से कंपोनेंट को स्टोर करने के लिए काम में लेते हैं, ये सभी चीजें अपन प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइज यहां से भी कुछ अच्छी चीजें और भी अपन डिस्क्रिप्टिवली कि साहब कलेक्ट करने के, यानी किसी पेशेंट से अपने को ब्लड कलेक्ट करना है तो जो डोनर की है वो क्या क्या क्वालिटीज होती हैं ब्लड देने की, या फिर ब्लड डोनर के अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिससे कि वो ब्लड को डोनेट कर सके। तो गाइज सबसे पहली स्टेप होती है कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ
ब्लड। देन गाइज अपन जब ब्लड को कलेक्ट कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नेक्स्ट स्टेप आती है जिसे अपन कहते हैं क्रॉस मैच। क्या कहेंगे? क्रॉस मैच का मतलब है कि भाई जो ब्लड रिसिपियंट है यानी कि जिस पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है उसे क्या कहते हैं अपन? रिसिपियंट कहते हैं। तो रिसिपियंट का ब्लड ग्रुप कौन सा है? उसका ब्लड ग्रुप ए है या फिर बी है या फिर ए बी है या फिर ओ है। और अगर ब्लड ग्रुप की बात हो जाए फिर अगर आरएस फैक्टर की, जैसे ये माना है किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप है ए बी, तो भाई ए बी भी कौन सा है? ए बी नेगेटिव है या फिर ए बी पॉजिटिव है? तो अपने को क्या करना है? रिसिपियंट के ब्लड ग्रुप का पता लगाना है और फिर जो ब्लड अपन इस रिसिपियंट को दे रहे हैं, पेशेंट को दे रहे हैं, उससे क्या करना है? क्रॉस मैच करना है कि कहीं दोनों ब्लड के ग्रुप के अंदर आपस में रिएक्शन तो नहीं होगी, हीमोलाइटिक रिएक्शन तो नहीं हो जाएगी। सो गाइस ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सेकेंड स्टेप होती है दोनों डोनर और रिसिपियंट के ब्लड ग्रुप्स को, आरएस फैक्टर्स को क्या करवाना? क्रॉस मैच करवाना, जो कि बड़े ही डिस्क्रिप्शन के अंदर बड़े शानदार तरीके से समझ करके आपके अंडरस्टैंडिंग व्यू में आपकी लैंग्वेज के अंदर अपन इस ब्लड की क्रॉस मैचिंग को भी डिस्कस करेंगे। सो गाइस क्रॉस मैचिंग सेकेंड स्टेप होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। देन इसके बाद में जो थर्ड स्टेप होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वो है कलेक्शन ऑफ द आर्टिकल्स, कि भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अपने को कौन कौन से आर्टिकल्स चाहिए होते हैं, उन आर्टिकल्स को एक टेबल के ऊपर कलेक्ट करना होता है और उसके बाद में अपन ब्लड ट्रांसफ्यूज करना स्टार्ट करते हैं। भाई अपने को क्या क्या आर्टिकल्स चाहिए वो सभी आर्टिकल्स कलेक्ट करेंगे एक जगह और फिर उसके बाद में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। सो गाइज देर आर थ्री स्टेप्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तीनों के बारे में अपन ने देखा कि साहब जो पहली स्टेप होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कौन सी है? यहाँ पर पहली स्टेप है कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ ब्लड। देन उसके बाद में दूसरी क्या है? क्रॉस मैच है। फिर इसके बाद में क्या है? कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स, देन ट्रांसफ्यूजन ऑफ ए ब्लड की। साहब आर्टिकल्स कलेक्ट करने के बाद में क्या करेंगे? ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेंगे। वेल बहुत अच्छा। अब गाइस तीनों के बारे में अपन वन बाई वन डिस्कस करेंगे और तीनों से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, इन फ्यूचर आने वाले हैं, उनके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। तो गाइज यहां से अपन सबसे पहले बात करना चाहेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा गाइज, फोकस कीजिएगा पॉइंट पे, जरा ध्यान दीजिएगा। कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की पहली स्टेप के बारे में अपन बात करना चाहेंगे यहां पर। तो गाइज यानी कि कलेक्शन का मतलब यहाँ पे बात हो रही है डोनर की, कि साहब जो डोनर होता है, जो ब्लड देने वाला होता है, उसके ब्लड को अपन लेकर के स्टोर करते हैं। तो गाइज यहाँ से ध्यान रखना, जो ब्लड डोनर होता है, जो ब्लड देने वाला होता है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ब्लड डोनेट करने के लिए? तो गाइज सबसे पहले तो अपन यहाँ से बात करेंगे एज की। किसकी बात करेंगे अपन यहाँ से? एज की बात करेंगे। एज का मतलब कि भाई अगर जिस पर्सन की एज यानी कि जो डोनर है, डोनेट करने वाला है ब्लड, उस डोनर की जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? 18 से लेकर के और 65 ईयर के बीच में। यानी कि अगर डोनर की एज 18 से लेकर के 65 ईयर के बीच में है, देन ही और सी कैन डोनेट ब्लड। तो गाइज वो क्या कर सकता है? ब्लड डोनेट कर सकता है। अब यहां से देखो 18 और 65 का क्राइटेरिया क्यों रखा गया है? क्योंकि 18 से पहले जो आरबीसी का जो रिप्लेसमेंट का टाइमिंग होता है वो ज़्यादा होता है, हीमोपोइसिस की प्रोसेस इतनी अच्छी नहीं होती है। देन अगर अपन 65 की बात करें, 65 के बाद की बात करें, तो गाइस 65 के बाद का मतलब ओल्ड एज है। इस टाइम पर भी हीमोपोइसिस की प्रोसेस डिक्रीज हो जाती है, साथ साथ में अपन कह सकते हैं कि आरबीसी क्या नहीं हो पाती है डोनेट करने के बाद में, आरबीसी जल्दी से क्या नहीं हो पाती है? रिप्लेस नहीं हो पाती है। सो 18 से 65 ईयर की अगर एज है डोनर की, तो क्या कर सकता है? वो ब्लड डोनेट कर सकता है। देन इसके बाद में अगर अपन यहां से बात करें एसबी लेवल की, एसबी लेवल किसका? डोनर का, कि जो ब्लड डोनेट कर रहा है उस डोनर का एसबी लेवल कितना होना चाहिए ब्लड डोनेट करने के लिए? तो गाइस ध्यान रखना, अगर एसबी यानी कि अगर डोनर का अगर एसबी लेवल मोर देन 12 ग्राम पर डीएल
डीएल का मतलब अपन ने पहले ही देख लिया था कि डेसीलीटर का मतलब होता है 100 ml. 100 ml को अपन क्या कह सकते हैं, डेसीलीटर कह सकते हैं. सो गाइज, अगर डोनर का अगर SB लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल अगर 12 ग्राम से ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में डोनर क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है. अगर गाइज ध्यान रखना, लेस देन 12 ग्राम अगर किसी डोनर का SB लेवल है, ध्यान रखना, उससे ब्लड डोनेट नहीं करवाना चाहिए, उससे इनकी वो ब्लड को डोनेट नहीं कर सकता. ऐसी कंडीशन में अगर लेस देन 12 ग्राम अगर SB लेवल उस पर्सन के अंदर है और उसने अगर ब्लड की एक यूनिट अगर यहाँ पे डोनेट कर दी, तो ऐसी कंडीशन में उसमें खुद के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और ऐसी कंडीशन में उसके अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी, टाइट देखने को मिलेगी, उसके अंदर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. इसलिए 12 ग्राम से कम अगर डोनर का अगर SB लेवल है तो वो डोनेट नहीं कर सकता ब्लड को. ब्लड डोनेट करने के लिए डोनर का जो SB लेवल होता है वो कितना होना चाहिए, मोर देन 12 ग्राम पर डीएम. इतनी बात क्लियर गाइज. तो अपन ने एज की बात की और SB लेवल की बात की, और गाइज इन दोनों के बाद में अपन यहाँ पे बात करना चाहेंगे, एज और SB लेवल के बाद में बात करना चाहेंगे यहाँ पर वेट की. किसकी बात करना चाहेंगे, वेट की, कि जो डोनर होता है उस डोनर को ब्लड डोनेट करने के लिए उसका वेट कितना होना चाहिए. तो गाइस ध्यान रखना, यहाँ से जो वेट का क्राइटेरिया होता है ये होता है 45 से 50 kg. कितना, कि जो डोनर होता है उस डोनर का जो वेट होता है वो वेट कितना होना चाहिए, 45 से 50 kg के बीच में. अब यहाँ से भी देखो, 45 से 50 kg की रेंज बनाई गई है. अगर यहाँ पर डोनर अगर फीमेल है, ब्लड देने वाली अगर फीमेल है, तो गाइस उस फीमेल का वेट अगर कितना है, 45 kg है, तो सी कैन डोनेट ब्लड. और अगर यहां पे डोनर अगर कौन है, मेल है, और अगर इसका वेट 50 kg है या फिर 50 kg से थोड़ा ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकता है, वो ब्लड डोनेट कर सकता है. आपको ध्यान रखना है वेट का क्राइटेरिया, कि ब्लड को डोनेट करने के लिए फीमेल का वेट अप्रोक्स कितना होना चाहिए, 45 kg होना चाहिए, और जो मेल है उसका वेट कितना होना चाहिए, अप्रोक्स 50 kg होना चाहिए. क्लियर गाइज. तो ये तो किसकी बात थी, यहां से वेट की बात थी. देन गाइज, वेट के बाद में अपन एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू से. बहुत से एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पुटअप हुआ है. क्वेश्चन क्या है गाइज यहाँ से, कि जब कोई डोनर ब्लड डोनेट करता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि भाई डोनर आया, ब्लड लिया और ब्लड को लेकर के कलेक्ट करके बैग में और सीधा ही अपन ने ब्लड बैंक के अंदर स्टोर करने के लिए भेज दिया. नहीं गाइज, ऐसा कभी नहीं होता. जब भी डोनर आता है तो ब्लड लेने से पहले डोनर के अंदर अपन कुछ इन्फेक्शियस डिजीज के लिए एग्जामिनेशन करते हैं. तो गाइज वो कितनी इन्फेक्शियस डिजीज हैं जो एग्जामिन की जाती हैं डोनर के अंदर, ध्यान रखना, कितनी इन्फेक्शियस डिजीज के लिए डोनर को एग्जामिन किया जाता है टू डोनेट या फिर फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ दी डोनेट ब्लड डोनेशन, यानी कि ब्लड को डोनेट करने के लिए कितनी इन्फेक्शियस डिजीज के लिए एग्जामिन किया जाता है ब्लड डोनर को. तो ध्यान रखना, यहां से एक बार अपना रिप्लाई करो, आप क्विक फास्ट जल्दी से रिप्लाई करो, क्विक फास्ट डू फास्ट डू नॉट वेस्ट द टाइम, कि डोनर को कितनी इन्फेक्शियस डिजीज के लिए एग्जामिन किया जाता है, असेस किया जाता है, चेक किया जाता है, कितनी इन्फेक्शियस डिजीज के लिए. गाइस कितने के लिए, क्या 2 डिजीज के लिए एग्जामिन किया जाता है, या 3 के लिए किया जाता है, या 5 के लिए किया जाता है, या 7 के लिए किया जाता है, जितना भी है क्या करो, रिप्लाई करो, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर यहां से देने वाला हूं. वेल 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 वेल, बहुत अच्छा. अब करेक्ट आंसर जानिएगा आप यहां से. ध्यान रखना, जब भी कोई डोनर होता है जो ब्लड डोनेट करता है, उस डोनर को अपन कितने के लिए, 5 इंफेक्शियस डिजीज के लिए क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं. हे गाइस, कॉमन फोकस ऑन दी पॉइंट, कितने डिजीज के लिए, 5 इन्फेक्शियस डिजीज के लिए. माय डियर, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि डोनर को कितनी इन्फेक्शियस डिजीज के लिए एग्जामिन किया जाता है बिफोर डोनेशन ऑफ दी ब्लड. तो ध्यान रखना, 5 इन्फेक्शियस डिजीज के लिए. और गाइज, अब धीरे धीरे अपने फील्ड के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उनकी डेप्थ बढ़ती जाती है, ट्विस्टिंग बढ़ती जाती है,
जाती है क्वेश्चंस के अंदर, इसलिए अब केवल 5 इन्फेक्शियस डिजीज नाम ध्यान में रखने से ही बातें नहीं बनेगी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये 5 इन्फेक्शियस डिजीज कौन कौन सी हैं जिसके लिए डोनर को एग्जामिन करते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखना कौन कौन सी है। सबसे पहली तो वायरल इन्फेक्शन, जिसे आप क्या कहते हो, HIV, यानी कि HIV के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले HIV के लिए एग्जामिन किया जाएगा कि भाई जो डोनर है इसमें HIV है या फिर नहीं है। अगर HIV है तो ऐसी कंडीशन में वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। अदरवाइज अगर उसका ब्लड अपन ने लिया और वो ब्लड किसी दूसरे पेशेंट को ट्रांसफ्यूज किया, तो यहाँ से ध्यान रखना ये जो HIV है ये डोनर से रिसिपिएंट के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो गाइज इसलिए अपन HIV वाले पेशेंट से क्या नहीं लेते, ब्लड नहीं लेते। देन इसके बाद में जो दूसरा बात यहाँ पे आती है वो किसकी आती है, हेपेटाइटिस की आती है। और यहाँ से ध्यान रखना हेपेटाइटिस भी कौन सा, हेपेटाइटिस बी एंड सी। कि सब जो डोनर है उसमें हेपेटाइटिस बी या फिर हेपेटाइटिस सी है या फिर नहीं है। अगर हेपेटाइटिस बी या फिर हेपेटाइटिस सी इन दोनों में से कोई भी है तो ऐसी कंडीशन में उसका ब्लड काम में नहीं लेते हैं, ही और सी कैन नॉट डोनेट ब्लड। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन यहाँ से बात करें गाइज तो वो कौन सी है, मलेरिया। वो कौन सी है, मलेरिया। ध्यान रखना अगर पेशेंट को करंट में या प्रीवियसली 2-4-5 महीने 2-3-4 साल पहले अगर उसको मलेरिया हुआ है तो गाइज ऐसी कंडीशन के अंदर भी ब्लड डोनेट वो नहीं कर सकता। क्योंकि आप ध्यान रखना यहाँ से मलेरिया से बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि भाई अगर किसको, अगर कोई पेशेंट मलेरिया से इन्फेक्ट हुआ है लेकिन अब वो मलेरिया से रिकवर हो गया, तो मलेरिया से रिकवर होने के बाद में कितने साल के बाद में या कितने महीने के बाद में वो ब्लड डोनेट कर सकता है। तो गाइस बड़ी अच्छी बात है यहाँ से, अगर कोई पेशेंट मलेरिया से इन्फेक्ट हुआ है और फिर वो रिकवर भी हो गया तो रिकवर होने के 5 साल के बाद में, Hey guys, come on, focus on the point. क्या रिकवर होने के 5 साल के बाद में ही एंड सी कैन डोनेट ब्लड, बट बिफोर 5 ईयर ही और सी कैनॉट डोनेट ब्लड। 5 साल से पहले ब्लड डोनेट नहीं कर सकता लेकिन 5 साल के बाद में कर सकता है। अब यहां से आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों भाई, मलेरिया हुआ था भाई 5-6 महीने साल भर पहले हुआ था लेकिन अब तो पेशेंट ठीक हो गया, वो अब तो रिकवर हो गया, तो वो अब ब्लड डोनेट क्यों नहीं कर सकता, अब उसका ब्लड हम किसी दूसरे पेशेंट के अंदर, रिसिपिएंट के अंदर ट्रांसफ्यूज क्यों नहीं कर सकते। तो माय डियर इसका करेक्ट आंसर है, इसका राइट रेशनल है, ध्यान रखना कि जब कोई पेशेंट एक बार मलेरिया से इन्फेक्ट हो जाता है तो वो सिम्टोमेटिकली तो क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है, लेकिन जो मलेरिया का एंटीजन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में अभी भी लगभग 5 साल तक ये मलेरिया का एंटीजन उस पेशेंट की बॉडी में क्या है, प्रेजेंट है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में है। क्या पता ये मलेरिया वाला पेशेंट जो रिकवर हो गया है इसका ब्लड किसी दूसरे पेशेंट को दे तो ये इनएक्टिव फॉर्म वाला मलेरिया एजेंट उस पेशेंट में भी चला जाएगा और हो सकता है उस पेशेंट के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म से ये मलेरिया का एजेंट एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाए और वो किससे इन्फेक्ट हो जाएगा, मलेरिया से, यानी कि मलेरिया उसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। सो गाइस यहां से ध्यान रखना है मलेरिया से रिकवर होने के 5 साल के बाद में एक पेशेंट क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है, 5 साल से पहले नहीं लिया जाता है। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन यहाँ से बात करें HIV के बाद में हेपेटाइटिस बी के बाद में हेपेटाइटिस सी और मलेरिया के बाद में नेक्स्ट जो इन्फेक्शियस डिजीज है माय डियर, वो नेक्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज है यहाँ से सिफिलिस, यानी कि STD है, सिफिलिस के नाम से अपन इसे जानते हैं। ध्यान रखना अगर कोई पेशेंट सिफिलिस से सफर, माना कि एक पर्सन है वो क्या आया, ब्लड डोनेट करने आया और जैसे ही अपन उसे 5 इन्फेक्शियस डिजीज के लिए एग्जामिन किया और अगर उसके अंदर सिफिलिस है तो गाइज ऐसी कंडीशन के अंदर डायरेक्टली उस डोनर का ब्लड इमीडिएटली अपन रिसिपिएंट को नहीं देते हैं। हाँ सिफिलिस वाले पेशेंट का ब्लड किसी दूसरे रिसिपिएंट को दिया जा सकता है लेकिन इसके लिए एक छोटी सी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वो प्रोसेस भी जानिएगा माय डियर। माना कि एक
डोनर अपने पास आया, अपने उसे 5 इन्फेक्शियस डिजीज के लिए क्या किया, एग्जामिन किया, और जैसे एग्जामिन किया तो पता लगा कि साहब पेशेंट तो किससे इन्फेक्टेड है, सिफिलिस से इन्फेक्टेड है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो ब्लड डोनेट करना चाहता है तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना उस सिफिलिस वाले पेशेंट से ब्लड को लेकर के और लेने के बाद में सबसे पहले अपन उसे ब्लड बैंक के अंदर 2-8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 2-8 डिग्री सेल्सियस पे कितने समय के लिए, 72 घंटे के लिए, 72 आवर्स के लिए 208 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या करेंगे, इस सिफिलिस वाले डोनर के ब्लड को क्या करेंगे, स्टोर करने से। माय डियर, ऐसा करने से, कैसा करने से, सिफिलिस वाले डोनर के ब्लड को 2-8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 72 घंटे तक स्टोर करने के लिए, स्टोर करने से जो सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट होता है ट्रिपोनिमा पेलिडम वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और 72 आवर्स के बाद में दिस ब्लड वी कैन ट्रांसफ्यूज टू दी रिसिपिएंट। कि साहब इस 72 आवर्स के अंदर ये पॉजिटिव एजेंट ट्रिपोनिमा पेलिडम सिफिलिस का क्या हो गया, किल हो गया, और किल होने के बाद में, डिस्ट्रॉय होने के बाद में 72 आवर्स के बाद में अपन क्या कर सकते हैं, इस ब्लड को किसी रिसिपिएंट को ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। तो माय डियर्स, यहाँ से ध्यान रखना, ये 5 इन्फेक्शियस डिजीज है, एक एक का नाम आपने डिस्कस किया है कौन कौन सी डिजीज है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सर अभी तो 4 ही हुई है, क्या हुई है, ये क्वेश्चन क्लास में भी आता है, बच्चे टिक टिक लगा के देखते, पहले तो 4 ही लिखा है, 4 नंबर तक ही, फिर पास वाले को कहते हैं 4 ही लिखा है, 5वीं कौन सी है, सर से पूछना, क्या सर से पूछना। तो गाइस 4 नहीं है, 5 हो गई, यहाँ पे 5 कैसे हो गई, एक तो HIV हो गया, एक हेपेटाइटिस बी हो गया, एक हेपेटाइटिस सी हो गया, एक मलेरिया हो गया, और एक क्या हो गया, सिफिलिस हो गया। इस प्रकार से 5 इन्फेक्शियस डिजीज के लिए क्या करते हैं, अपन डोनर को एग्जामिन करते हैं। तो माय डियर्स, ये थे डोनर की करेक्टरिस्टिक्स ब्लड को डोनेट करने के लिए। तो गाइस एवरी करेक्टरिस्टिक्स अपन ने देखी है, आपको एज का ध्यान रखना है 18-65 ईयर, देन आपको SB लेवल का ध्यान रखना है, मोर देन 12 ग्राम होना चाहिए डोनर का, वेट का ध्यान रखना है 45-50 केजी के बीच में होना चाहिए डोनर का वेट। इसके साथ साथ में डोनर को 5 इन्फेक्शियस डिजीज के लिए क्या किया जाना चाहिए, एग्जामिन किया जाना चाहिए। सो गाइस ये सब चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ पर क्या कर दी है, मेंशन भी कर दी है, वेल तरीके से मेंशन यहाँ पर कर दी है आपके लिए, क्या कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ ब्लड, दिस इज फर्स्ट स्टेप भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ ए ब्लड। तो गाइस डोनर की, ब्लड डोनर की क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, हीमोग्लोबिन लेवल मोर देन 12 ग्राम पर डीएल डिस्कस किया, एज यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, एज की जगह वेट टाइप हो गया और वेट की जगह एज टाइप हो गया, उल्टा हो गया। तो यहां से ध्यान रखना एज कितनी है, अब तो आपको लिखाने की आवश्यकता नहीं, आपके माइंड में सेट हो गया एज कितनी, 18-65 साल क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। वेट की अगर अपन बात करते हो कितना होना चाहिए, 45-50 केजी क्या होना चाहिए डोनर का वेट होना चाहिए। यह भी अपन ने देखा माई डियर यहां से, क्या व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्जामिन डिजीज इन ब्लड डोनर, कि ब्लड डोनर को कितनी डिजीज के लिए एग्जामिन किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है 5 डिजीजेस के लिए, 5 इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए। वो कौन कौन सी है, HIV है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, मलेरिया है, और कौन सा है, सिफिलिस है। देन गाइस यहां से एक बात और ध्यान रखना, ये अपन डिस्कस करेंगे जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कॉम्प्लिकेशंस अपन डिस्कस करेंगे, उस टाइम भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉमनली देखने को मिलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन है इन्फेक्शन कॉमनली सीन आफ्टर BT आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो माय डियर इसका आंसर जाता है हेपेटाइटिस बी, ध्यान रखना यहाँ से। अगर चला करके पूछे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में होने वाला मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा है, तो गाइज ऐसी कंडीशन में आंसर जाएगा हेपेटाइटिस सी। लेकिन अगर आपको ऐसे कहे कि पेरेंट्रल रूट से होने वाला इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी है, तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर क्या जाता है, हेपेटाइटिस बी। लेकिन माई डियर जो अपना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, यहाँ पर ज़्यादा किसके ट्रांसमिशन के चांसेज रहते हैं,
हेपेटाइटिस से सी के ट्रांसमिशन के चांसेस रहते हैं। देन आफ्टर ऑल अपन ने ये भी कहा मलेरिया के रिगार्डिंग अपन ने बात की है, क्या बात की है मलेरिया के रिगार्डिंग, कि जो मलेरिया वाला पेशेंट होता है वो कितने साल तक, 5 साल तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकता रिकवरी के बाद में। मलेरिया पेशेंट कैन डोनर ब्लड 4-5 ईयर आफ्टर रिकवरी अपन ने ये भी देखा कि क्यों नहीं कर सकता। इसके साथ साथ में दूसरी बात सिफिलिस वाली अपन ने बात की, या फिर पेशेंट को डोनर को किसी भी डोनर को पेशेंट ने डोनर को किसी भी प्रकार की एक्सटीडी हो, एसटीडी हो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो, यानी कि किसी भी प्रकार की अगर बैक्टीरियल एसटीडी अगर डोनर को है तो ऐसी कंडीशन के अंदर डोनर के ब्लड को लेकर के कलेक्ट करके और 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 72 आवर्स के लिए स्टोर किया जाता है ताकि जो बैक्टीरिया है जो पॉजिटिव एजेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ द पॉजिटिव एजेंट वी कैन ट्रांसफ्यूज टू द ब्लड टू ए रिसिपिएंट। क्लियर, ये बात यहाँ पे राइट डाउन कर दी है। स्टोर दी ब्लड 8 to 8 डिग्री सेल्सियस फॉर 72 आवर। इफ पेशेंट है बैक्टीरियल एसटीडी, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया लाइक जैसे सिफिलिस, ध्यान रखना 8 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विद इन 72 आवर्स पॉजिटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस ट्रिपोनेमा पैलेडियम क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो गाइज ये क्राइटेरिया थे ब्लड को कलेक्ट करने के, यानी कि ब्लड डोनर की एलिजिबिलिटीज की बात थी, क्वालिटीज की बात थी, करेक्टर्स स्टिक्स की बात थी। लेकिन गाइज यहां से ध्यान रखना जो ब्लड डोनर होता है ये ब्लड डोनर भी ब्लड डोनर की भी कैटेगरी होती है। अगर आपसे पूछे कि साहब कितने प्रकार के ब्लड डोनर होते हैं तो गाइज यहां पे मोस्टली 3 प्रकार के ब्लड डोनर होते हैं। कौन कौन से, एक तो डिसइनिटेड होता है, देन इसके साथ साथ में सेकेंड की अगर बात करें तो ऑटोलोगस डोनर होता है, और तीसरा होता है साल्वेज ब्लड साल्वेज डोनर। क्या होता है तीसरा ब्लड साल्वेज डोनर, माई डियर्स यहाँ पे अपन ने मेंशन किया है एवरी क्या कि जो ब्लड डोनर होता है ये ब्लड डोनर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, डिसइनिटेड डोनर डोनर, ऑटोलोगस डोनर एंड ब्लड साल्वेज डोनर। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा तीनों के बारे में वन बाय वन अपन बात करेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ से ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखनी है कि इन तीनों के तीनों डोनर में से जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डोनर है जिससे कॉमनली ब्लड डोनेट किया जाता है, जो कॉमनली ब्लड को डोनेट करता है, तो गाइस जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डोनर होता है वो कौन सा होता है, डिसइनिटेड डोनर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डोनर। अब यहां से ध्यान दीजिएगा गाइस, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि ये जो डिसइनिटेड डोनर क्या होता है। देखिएगा अपने को रटना नहीं है, अपने को समझना है, फिर ट्रांसलेशन आप अपने आप लोगे। डिसइनिटेड डोनर उसे कहते हैं कि जब ब्लड डोनर को, यानी कि ब्लड डोनेट कौन करे इसका सिलेक्शन पेशेंट खुद करे। मैं यहाँ पे ऐसे एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाई इमेजिंग दैट यहाँ पे ये जो है ये कौन है, पेशेंट है, और गाइस इस पेशेंट को क्या चाहिए, ब्लड चाहिए, कहने का मतलब ये क्या है, रिसिपिएंट है। तो यहाँ पे डिसइनिटेड डोनर में क्या होता है कि जो रिसिपिएंट होता है ये खुद सेलेक्ट करता है किसको, डोनर को, यानी कि व्हेन ब्लड डोनर इज सेलेक्टेड बाई द रिसिपिएंट then this type of blood donor is known as disinitiated donor। और ध्यान रखना ये most common type of donor है तीनों में से, तो सबसे ज़्यादा जो common donor होता है वो कौन सा होता है, disinitiated। तो आपको एक छोटी सी बात रखनी है ध्यान में, ज़्यादा मोटा मोटी या लंबी चौड़ी इसकी कहानी नहीं है, गाथा नहीं है, छोटी सी शॉर्ट में बात ध्यान में रखनी है कि जब भी डोनर पेशेंट यानी कि रिसिपियंट खुद सेलेक्ट करता है तो उसे क्या कहते हैं, डिसइनिटेड डोनर। अब ये जो रिसिपिएंट है ये पेशेंट है, ये अपने रिलेटिव को भी सेलेक्ट कर सकता है, पूरी अथॉरिटी है इसके पास में, ये अपने किसी फ्रेंड को भी सेलेक्ट कर सकता है ब्लड डोनेट करने के लिए, अथॉरिटी कर सकता है, या फिर ये रिसिपिएंट किसी अननोन पर्सन को जिसको ये जानता नहीं है और जानता नहीं है, अनजान है, लेकिन कंडीशन क्रिटिकल है, ब्लड की नीड है, ब्लड बैंक में इसके ग्रुप का ब्लड नहीं है, लेकिन एक ऐसा पर्सन है जिसको
उसको रिसिपिएंट नहीं जानता, तो अगर रिसिपिएंट चाहे तो उसको ब्लड डोनेशन के लिए सेलेक्ट कर सकता है, अगर ये चाहे तो उससे ब्लड ले सकता है। तो गाइस जब भी अपने रिलेटिव को या फिर अपने फ्रेंड को या फिर किसी अननोन पर्सन को भी अगर रिसिपिएंट अगर सेलेक्ट करता है तो गाइस इस प्रकार के डोनर को अपन क्या कहते हैं, डिसइनेटेड डोनर। क्लियर गाइज, आई होप मेरी बात ही आपको समझ में आई होगी। और गाइज समझना ही यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। देन इसके बाद में दिस इनेटेड डोनर के बाद में गाइज अपन यहाँ पे बात करना चाहेंगे सेकंड टाइप ऑफ डोनर की, जिसे अपन क्या कहते हैं, ऑटोलोगस डोनर। है गाइज फोकस ऑन द पॉइंट, ऑटोलोगस डोनर। गाइज ऑटोलोगस डोनर का मतलब होता है, अब यहाँ से ज़रा ध्यान से देखिएगा, ऑटोलोगस डोनर के अंदर जो रिसिपिएंट होता है, जो पेशेंट होता है, ये खुद ही ब्लड को क्या करता है, डोनेट करता है, और फिर नीड पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर इसी पेशेंट को इसी का ब्लड क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो डोनर होता है, जो खुद का ही ब्लड डोनेट कर रहा है और आवश्यकता पड़ने पर, नीड पड़ने पर खुद ही उस ब्लड को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। सो गाइस इस प्रकार के डोनर को अपन क्या कहते हैं, ऑटोलोगस डोनर। अब यहाँ से जरा ध्यान दीजिएगा माय डियर माय ओल्ड डियर्स, क्या ध्यान देने की बात है कि आखिर ऑटोलोगस डोनर क्यों बनता है, ऑटोलोगस डोनर की नीड क्यों होती है, ऐसा क्यों करना पड़ता है। तो जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा, ये जो ऐसा ऑटोलोगस डोनर है ये उन पेशेंट्स के लिए होता है कि जो पेशेंट पैरानोइड कैटेगरी के होते हैं। पैरानोइड कैटेगरी का मतलब जिनको डर लगता है, संदेह होता है, फिर अंधविश्वास में बिलीव करते हैं कि भाई मैं तो भाई मेरे किसी रिलेटिव का ब्लड नहीं ले सकता, भाई उसका खून मैं कैसे ले सकता हूँ, उसका खून तो उसका खून ही है, वो तो मेरा पोता है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, तो मैं उसका खून कैसे ले सकता हूँ, उसका ब्लड कैसे ले सकता हूँ। कहने का मतलब होता कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंधविश्वास है, एक मिसकंसेप्शन है कि तो गाइज इन लोगों को डर लगता है, फियर लगता है, या फिर किसी दूसरे का ब्लड लेने से एंजाइटी होती है, या फिर इस बात का डर लगता है कि अगर किसी दूसरे का ब्लड अपन ने लिया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती है, यानी कि ब्लड कोएगुलेशन हो सकता है, या फिर अपने को एलर्जी हो सकती है। तो इन सभी डर की वजह से या फिर डाउट्स की वजह से या फिर पैरानोइड की वजह से, संदेह की वजह से, अंधविश्वास की वजह से जो पेशेंट होता है, जो रिसिपिएंट होता है, वो दूसरे किसी भी पर्सन का, ना तो रिलेटिव का, ना फ्रेंड का, ना अननोन पर्सन का ब्लड नहीं लेना चाहता। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, प्रोसीजर से पहले, यानी कि इस पेशेंट के अंदर जो कोई भी प्रोसीज करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, माना ये किसी पेशेंट के अंदर हार्ट की बाईपास सर्जरी होनी है, और आपको पता है बाईपास सर्जरी होनी है तो ऐसी कंडीशन में ब्लड की नीड होती है, यानी कि ब्लड का लॉस ज़्यादा हो जाता है, तो पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर रखना पड़ता है ड्यूरिंग बाईपास सर्जरी। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा माय डियर, क्या कि जब किसी पेशेंट में बाईपास सर्जरी हो रही है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर रखना है, और दूसरे पेशेंट का, दूसरे डोनर का पेशेंट क्या नहीं दे रहा, ब्लड नहीं दे रहा, क्योंकि पेशेंट पैरानोइड कैटेगरी का है, एलर्जी का डर लगता है, रिएक्शन का डर लगता है, पेशेंट को एंजाइटी हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में प्रोसीजर से 5 दिन पहले, हे गाइस फोकस ऑन द पॉइंट, कितने दिन पहले, प्रोसीजर के 5 दिन पहले, यानी कि बाईपास सर्जरी के 5 दिन पहले पेशेंट का ब्लड ले लिया जाएगा, उसे स्टोर किया जाएगा, और जब बाईपास सर्जरी होगी उस दिन इसी का ब्लड इसी को क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफ्यूज कर दिया जाएगा। इस प्रकार के डोनर को अपन क्या कहते हैं, ऑटोलोगस डोनर कहते हैं। जब पेशेंट खुद के लिए ब्लड डोनेट करता है, खुद के लिए डोनेट करता है, वन सेल्फ के लिए डोनेट करता है, वन सेल्फ के लिए ब्लड डोनेट करता है, उसे क्या कहते हैं, ऑटोलोगस डोनर के नाम से जानते। इतनी बात क्लियर माय डियर। देन इसके बाद में अपन यहाँ से नेक्स्ट बात करना चाहेंगे ब्लड सालवेज डोनर। अब इस बात को यहाँ से समझिएगा, कोई बड़ा लफड़ा नहीं है, बड़ी सिंपल थिंग है। आज आपका अगर किसी के माइंड में डाउट भी है वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ब्लड सालवेज डोनर का मतलब होता है कि भाई अपन कोई सर्जरी करते हैं, भाई जब कोई सर्जन कोई सर्जरी करता है, खैर अपने को तो इतनी नौबत नहीं आती है सर्जरी करने की, लेकिन आप जानते हो कि भाई नर्सेज भी सर्जरी
सर्जरी करती हैं, कर सकती हैं, ध्यान रखना डॉक्टर से कम नहीं होती हैं, लेकिन बस उनके पास में अथॉरिटी नहीं होती है। आपने सुना होगा कुछ कई लगभग तीन साढ़े चार साल पहले की बात होगी कि एक सर्जन क्या कर रहा था, कार्डियक सर्जरी कर रहा था, बाईपास सर्जरी कर रहा था, और ऐसी कंडीशन में उस सर्जन के बच्चे का क्या हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, उसके बच्चे की कंडीशन क्रिटिकल थी, तो वो सर्जन वो डॉक्टर उस सर्जरी को बीच में ही छोड़ करके अपने बच्चे से मिलने के लिए भाग चला गया, दौड़ा चला गया, और सर्जरी कहाँ रुक गई, बीच में ही रुक गई। हॉस्पिटल में वहाँ पे कोई दूसरा सर्जन इमीडिएटली अवेलेबल नहीं हो पाया, तो जो नर्सेज वहाँ पर सर्जरी को असिस्ट कर रही थी गाइज, उन नर्सेज ने वो बाईपास सर्जरी क्या की, कंप्लीट की, और उस पेशेंट को एक नया जीवन दिया। अदरवाइज एब्सोल्युटली 100% डेफिनेटली उस पेशेंट की क्या होनी थी, डेथ होनी थी। इसलिए गाइज नर्सेज भी कर सकती हैं, जो कंटिन्यूटी में रहती हैं, जो सर्जिकल डिपार्टमेंट में काम करती हैं भी कंटिन्यू रहती हैं, लंबे समय से ये प्रोसीजर देख रही होती हैं, असिस्ट करती हैं सर्जरीज को, सो वी कैन आल्सो डू, लेकिन अपने पास अथॉरिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे समझिएगा ज़रा ब्लड सालवेज को। ब्लड सालवेज का मतलब जैसे कोई लंबी सर्जरी चलती है, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, तो ऐसे केस के अंदर जब सर्जरी लंबी चलती है तो जो पेशेंट का है वो ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है ड्यू टू सर्जरी। अब देखो ब्लड का लॉस ज्यादा हो गया ड्यू टू सर्जरी, 1 लीटर हो गया, 800 ml हो गया, 1.5 लीटर हो गया, कितना भी ब्लड क्या हो गया, पेशेंट का लॉस हो गया। तो अब जो लॉस जो ब्लड हुआ है उस ब्लड को प्यूरीफाई करके और आफ्टर सर्जरी उसी पेशेंट को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। यानी कि सर्जरी के टाइम पर जो ब्लड लॉस हुआ है उस ब्लड को प्यूरीफाई करके उसी पेशेंट को वापस ट्रांसफ्यूज कर देना। इस प्रकार का जो डोनर होता है वो डोनर किस कैटेगरी में आता है, ब्लड सालवेज की कैटेगरी में आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सर्जरी के टाइम पर जो ब्लड लॉस हुआ है उसको प्यूरीफाई करके उसी पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो उसे अपन ब्लड सालवेज कहते हैं। ऑटोलोगस का मतलब सर्जिकल प्रोसीजर से पहले पेशेंट को उसी का ब्लड ट्रांसफ्यूज करना। जो पैरानोइड कैटेगरी के होते हैं, जिन्हें डर लगता है, एंजाइटी होती है, ब्लड रिएक्शन से एंजाइटी होती है, ब्लड के कॉम्प्लिकेशन से एंजाइटी होती है, उन पेशेंट से खुद से ही ब्लड लेते हैं और नीड पड़ने पर उन्हीं को वही ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। इसे कहते हैं ऑटोलोगस। डिसइमिनेट का मतलब जब रिसिपिएंट होता है ये अपनी चॉइस से डोनर को सेलेक्ट करता है, तो गाइस इसी अपन क्या कहते हैं, डिसइमिनेटेड डोनर। और ध्यान रखना दिस टाइप ऑफ डोनर इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ए डोनर। क्लियर बात। तो गाइस ये सभी चीज़ें अपन ने यहाँ पर देखिएगा मेंशन भी की है, डिसइमिनेटेड डोनर, डिसइमिनेटेड इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड डोनर। क्या होता है डिसइमिनेटेड डोनर, इसका मीनिंग भी यहां पे लिखा है, व्हेन डोनर इज सेलेक्टेड बाय पेशेंट सो इज नोन एज डिसइमिनेटेड डोनर। लाइक जैसे कि पेशेंट सेलेक्ट करता है किसी रिलेटिव को कर सकता है, किसी अपने फ्रेंड को कर सकता है, यहां तक कि वो किसी अननोन पर्सन को भी सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकता। यहां पर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि किसी पेशेंट को ब्लड की आवश्यकता है और वहां पे इसका रिलेटिव भी नहीं है, कोई फ्रेंड भी नहीं है, तो वो किसी अननोन पर्सन को फोर्स नहीं कर सकता कि भाई तू मेरे को ब्लड दे ही, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, अगर किसी अननोन पर्सन के अगर खुद की विश है, खुद की डिजायर है कि भाई इस पेशेंट की मैं जान बचाना चाहता हूँ मेरा ब्लड डोनेट करके, लेकिन जो पेशेंट है जो रिसिपिएंट है वो डोनर को नहीं जानता, लेकिन अगर डोनर कह दे कि हाँ भाई मैं इसका ब्लड लेने के लिए तैयार हूँ, तो कहने का मतलब अननोन से वो ले रहा है तो भी ये क्या होगा, अपनी चॉइस से ले रहा है, तो अपने से डिसइमिनेटेड। देन सेकंड टाइप ऑटोलोगस है, मीनिंग व्हेन क्लाइंट डोनेट द ब्लड फॉर सेल्फ नॉन एज ऑटोलोगस, जब पेशेंट खुद के लिए क्या करता है ब्लड को डोनेट। यहाँ से इम्पोर्टेंट बात है कि प्रोसीजर के पहले, यानी कि माना कि इस पेशेंट का किसी दिन प्रोसीजर होना है, कोई सर्जरी होनी है जिस टाइम पर इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजर करना है, तो सर्जरी से पहले उस प्रोसीजर से पहले कितने दिन पहले, 5 दिन पहले उसका ब्लड कलेक्ट करके स्टोरेज कर लिया जाता है, और ड्यूरिंग सर्जरी यही
ब्लड क्या कर देते हैं, अपन उसे ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, क्लियर गाइज। देन इसके बाद में यहाँ से देखिएगा ये बात और यहाँ पे मेंशन की है, इफ़ ये देखो लिखने में थोड़ा गलत हो गया, ये लिखने में मिस्टेकन होगी, मैं बता रहा हूँ आपको, इफ़ ए पेशेंट इज पैरानोइड, यहाँ पे लिखने में ये गलत हो गया, इफ ए पेशेंट इज पैरानोइड, पैरानोइड का मतलब जो अंधविश्वास के अंदर विश्वास करते हैं, जिनको भय होता है, फियर होता है, डर लगता है, या फिर एंजाइटी होती है किससे, ब्लड से एलर्जी होने की, या फिर ब्लड के कॉम्प्लिकेशंस की। तो गाइज इस प्रकार के पेशेंट्स का खुद का ही ब्लड लेकर के स्टोर करके नीड पड़ पे इनको इन्हीं का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। देन ब्लड साल्वेज का मतलब, देखो यहाँ पर भी ये टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे ध्यान रखना, ब्लड साल्वेज का मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ी गलत हो गई है, यहाँ मिस्टेकन हो गई है टाइप करने में, बता रहा हूँ आपको मैं, यहाँ पे ब्लड साल्वेज का मतलब है कि इन दिस टाइप ऑफ ए ब्लड डोनर, कि साहब ब्लड साल्वेज के अंदर इन दिस टाइप ऑफ ए ब्लड डोनर द ओवन ब्लड फ्रॉम ए सर्जिकल पार्ट, पेशेंट का खुद का ब्लड कहाँ से, सर्जिकल साइड से जो लॉस हुआ है उसको प्यूरीफाई करके और उसी को क्या करना, री इन्फ्यूज करना, दोबारा उसी पेशेंट को क्या कर देते हैं, इन्फ्यूज कर देते हैं। तो इस प्रकार के डोनर को अपन क्या कहते हैं, ब्लड साल्वेज डोनर के नाम से जानते हैं। तो वेल गाइज ब्लड कलेक्शन एंड स्टोरेज के अंदर ये सभी क्राइटेरियाज का आपका ध्यान में रखना है, डोनर का ध्यान में रखना है, इन्फेक्शियस डिजीज का ध्यान में रखना है, मलेरिया का ध्यान में रखना है, STD वाले का ध्यान में रखना है, 2 से 8 डिग्री 72 आवर्स एज का ध्यान रखना है, और इनसे भी इंपॉर्टेंट आपको SB लेवल का ध्यान रखना है। और यहां से एक बात और ध्यान रखना, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा कि भाई एक हेल्दी पर्सन एक साल में कितनी बार ब्लड डोनेट कर सकता है, क्या एक हेल्दी नॉर्मल एडल्ट पर्सन एक साल में कितनी बार ब्लड डोनेट कर सकता है। तो माय डियर्स इसका करेक्ट आंसर है कि ए हेल्दी पर्सन कैन डोनेट ब्लड 3 to 4 times इन ए ईयर, यानी कि एक साल के अंदर एक हेल्दी एडल्ट पर्सन 3 से 4 बार क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। क्योंकि गाइज अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 months के अंदर जो RBC जो होती है वो क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है, बिकॉज आपको पता है RBC का लाइफ स्पान कितना होता है, 120 days होता है, यानी कि 120 days का मतलब लगभग 4 महीने होता है, इसका मतलब 3 से 4 महीने में RBC रिप्लेस हो जाती है। इसलिए एवरी 3 to 4 months ए हेल्दी पर्सन कैन डोनेट ब्लड, एंड इन ए होल ईयर, इन ए कंप्लीट ईयर ए हेल्दी पर्सन कैन डोनेट 3 to 4 times ब्लड, क्लियर गाइस इतनी बात। देन इसके साथ साथ में देखो ये चीज यहां पे मेंशन भी कर दी गई है, ए हेल्दी पर्सन डोनेट 3 to 4 times ब्लड इन ए ईयर, एक साल में 3 से 4 बार क्या कर सकता है, ब्लड को डोनेट कर सकता है। वेल बहुत अच्छा। तो गाइस ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की थी अपनी पहली स्टेप, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ ब्लड। देन गाइज इसके बाद में अपन यहाँ से बात करना चाहेंगे कलेक्शन एंड स्टोरेज के बाद में किसकी बात करेंगे, क्रॉस मैचिंग ऑफ ब्लड, जो कि यहाँ से ब्लड ट्रांसफ्यूजन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्या क्रॉस मैचिंग ऑफ ब्लड। ध्यान रखना हमेशा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सेकेंड स्टेप होती है उसे अपन क्रॉस मैच कहते हैं। क्रॉस मैच का मतलब यहाँ पे रिसिपियंट का और डोनर के दोनों का ब्लड ग्रुप को मिलाते हैं, दोनों के RS फैक्टर यानी कि नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, इसे क्या करते हैं, क्रॉस मैच करते हैं, ताकि रिसिपिएंट को हेमोलाइटिक रिएक्शन है नहीं हो, ब्लड कोएगुलेशन है नहीं हो, और उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस फर्दर डेवलप नहीं हो। अब यहाँ से ध्यान रखने का, ब्लड ग्रुप को क्रॉस मैच करने के लिए अपने को पता होना चाहिए ब्लड ग्रुप क्या होता है, ये AB AB O, ये ब्लड ग्रुप क्या होता है, किसे ए ब्लड ग्रुप कहते हैं, किसे बी कहते हैं, किसे AB कहते हैं, किसे अपन O कहते हैं, और एक होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आप कहते हो A नेगेटिव A पॉजिटिव, AB नेगेटिव AB पॉजिटिव, B नेगेटिव B पॉजिटिव, O नेगेटिव O पॉजिटिव। तो क्या ये नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव RS फैक्टर के बेसिस के ऊपर अपन डिटरमाइन करते हैं, लेकिन माय डियर इससे पहले RS फैक्टर की बात बाद में है, पॉजिटिव नेगेटिव की बात बाद में है, सबसे पहले आपको ध्यान
रखना है कि इस होल वर्ल्ड के अंदर इस सृष्टि के ऊपर पता नहीं कितनी हजारों लाखों प्रकार की स्पेसीज है, इन सभी स्पेसीज के अंदर अलग अलग प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जो ह्यूमन स्पेसीज होती हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, इनके अंदर पाए जाने वाला जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को अपन क्या कहते हैं, ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है ह्यूमन स्पेसीज के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है, ध्यान रखना है कौन सा पाया जाता है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। और माय ऑल डियर से यहाँ से इम्पोर्टेंट बात है कि आपका ये जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, यानी कि ए किसी का ए ब्लड ग्रुप है, किसी का बी ब्लड ग्रुप है, किसी का ओ ब्लड ग्रुप है, तो ये जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप है ये किसने डिस्कवर किया था, तो माय ऑल डियर्स ध्यान रखना, कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं ह्यूमन स्पेसीज के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, इसको किसने डिस्कवर किया, इसका किसने पता लगाया, तो माय डियर्स इसका पता लगाया कार्ल लैंडस्टीनर ने। क्या पता लगाया? 19th century 1 में। ध्यान रखना, कई जगह आपको 19th century 2 पढ़ाते हुए मिलेंगे, कहीं तो 6 पढ़ाते मिलेंगे, कहीं 19th century 8 पढ़ाते मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना जो करेक्ट आंसर है कि ब्लड ग्रुप इज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन विच ईयर, तो आपको ध्यान रखना है 19th century 1 में, 1901 के अंदर कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप को क्या किया गया, डिस्कवर किया गया। लेकिन ध्यान रखना, कार्ल लैंडस्टीनर ने केवल ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को ही डिस्कवर किया था। ए का ए बी ओ का मतलब ए ब्लड ग्रुप का पता किसने लगाया, कार्ल लैंडस्टीनर। बी ब्लड ग्रुप का पता किसने लगाया, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ओ ब्लड ग्रुप का पता किसने लगाया, कार्ल लैंडस्टीनर। लेकिन जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, कौन सा होता है, माय डियर फोकस ऑन दिस पॉइंट, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ध्यान रखना, इस ए बी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया, इट इज यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप डिस्कवर बाय डी कास्टेलो एंड स्टूरिल। ध्यान रखना, किसने? डी कास्टेलो एंड स्टूरिल के द्वारा ए बी ब्लड ग्रुप क्या किया गया, डिस्कवर किया गया। माय ओल्ड ईयर्स, अब यहाँ से फोकस करने की बात है, अगर आपको यहाँ से चलाकर कैसे पूछे कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप इज डिस्कवर्ड बाय, कि जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये किसने डिस्कवर किया है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर इन 19th century 1 के अंदर। लेकिन अब आपको यहाँ से चलाकर कैसे पूछे, क्या पूछे कि ए बी ब्लड ग्रुप इज डिस्कवर्ड बाय या फिर कॉइन बाई, कि ए बी ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया, किसने कॉइन किया, तो माय डियर्स फिर आपको एग्जैक्ट आंसर देना है डी कास्टेलो एंड स्टूरिल, यानी कि एक तो डी कास्टेलो था और एक कौन था, स्टूरिल था। इन दोनों फिजिशियन ने, दोनों साइंटिस्ट ने कौन से मिलकर के आपस में कौन से ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया, ए बी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया। लेकिन माय डियर्स अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, अगर आपसे ऐसे पूछे कि ए बी ब्लड ग्रुप इज डिस्कवर्ड बाय और आपको ऑप्शन में कहीं पर भी डी कास्टेलो एंड स्टूरिल नहीं मिले, तो ऐसी कंडीशन में आपको करेक्ट आंसर चूज करना है माय डियर, क्या चूज करना है, कार्ल लैंडस्टीनर। क्योंकि ध्यान रखना, जो डी कास्टेलो और जो स्टूरिल थे ये जूनियर साइंटिस्ट थे और ये दोनों साइंटिस्ट किसके अंडर काम कर रहे थे, कार्ल लैंडस्टीनर के अंडर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, यानी कि ब्लड ग्रुप ही रिसर्चेज कर रहे थे, किसके अंडर कर रहे थे, कार्ल लैंडस्टीनर के अंडर। इसलिए ध्यान रखना, जो पहला श्रेय, अगर यहाँ पे डी कास्टेलो और स्टूरिल नहीं है तो फिर आंसर किसका जाता है, क्या जाता है, ए बी ए ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। लेकिन आपके पास में अगर ऑप्शन अवेलेबल है डी कास्टेलो एंड स्टूरिल, तो ध्यान रखना ए बी ब्लड ग्रुप का फिर आंसर क्या जाएगा, डी कास्टेलो एंड स्टूरिल। अगर ये नहीं
नहीं है, दोनों नाम है, तो फिर आप क्या चूज कर सकते हो? करेक्ट आंसर है कार्ल लैंडिस ने। तो माय डियर से इसके बाद में अपन यहाँ से डिस्कस करना चाहेंगे कि भाई क्या ब्लड ग्रुप होते हैं, कौन कौन से ब्लड ग्रुप होता है। ए होता है तो ए ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं, बी होता है बी ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं, कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है, कौन सा एंटीबॉडी होता है। तो गाइज आई थिंक मेरे ख्याल से सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ से एक बात बता दूँ। क्या बता दूँ? पहले ब्लड ग्रुप की बात नहीं होती है, पहले ये डिसाइड नहीं होता कि इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है बी है या ए बी है या फिर ओ है। ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। माय डियर दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना आप अगर नोट्स बना रहे हो साथ साथ के अंदर, कि जो ब्लड ग्रुप होता है इसको डिटरमाइन किसके आधार पे किया जाता है, किस आधार पर किस बेसिस पे ये कहा जाता है कि इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है या बी है या ए बी है या फिर ओ है। तो माय डियर किस आधार पे कहा जाता है? एंटीजन के आधार पर कहा जाता है। और ध्यान रखना माय डियर, ये जो एंटीजन होता है ये आपकी ब्लड की एक सेल बाई कॉनकेव शेप की जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, आरबीसी। क्या कहते हैं माय डियर से? आरबीसी। तो गाइस ध्यान रखना, ये जो बाई कॉनकेव शेप की जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी की जो सरफेस होती है, इस सरफेस के ऊपर छोटी छोटी प्रोटीन लाइक क्या पाई जाती है, स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, छोटी छोटी प्रोटीन की चेंस की क्या पाई जाती हैं, स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। तो गाइज आरबीसी की सरफेस के ऊपर पाई जाने वाली इन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? एंटीजन कहा जाता है माय डियर। क्या कहा जाता है? एंटीजन कहा जाता है। अब यहाँ से ध्यान रखना, अगर आरबीसी की सरफेस के ऊपर, किसके ऊपर है, अगर आरबीसी की सरफेस के ऊपर अगर इस प्रकार के अगर यहाँ पे छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स अगर माइक्रोस्कोप से विजुअलाइज हो रही है, तो इस एंटीजन को नाम दिया जाता है ए एंटीजन। क्या कहा जाता है? ए एंटीजन। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर ए एंटीजन है, यानी कि छोटी प्रोटीन वाली स्ट्रक्चर अगर आरबीसी की सरफेस पर है, तो इसे अपन क्या कहते हैं? ए एंटीजन। अगर एंटीजन ए है तो इस पेशेंट का ब्लड ग्रुप भी अपन क्या कहेंगे? ए ब्लड ग्रुप कहेंगे। कि साहब ये जो पर्सन है इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए ब्लड ग्रुप। तो कहने का मतलब ब्लड ग्रुप पे डिटरमाइन किया जाता है किसके आधार पर? एंटीजन के आधार पर। देन गाइस इसके बाद में बी क्या होता है, ए बी क्या होता है, ओ क्या होता है, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ब्लड ग्रुप भी डिस्कस करेंगे। देन इसके साथ साथ में ब्लड ग्रुप डिस्कवर करने के बाद में अपन यहां से ये भी डिस्कस करेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन से ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को दिया जा सकता है, आरएस फैक्टर भी अपन डिस्कस करेंगे, क्या नेगेटिव होता है, क्या आरएच पॉजिटिव होता है, क्या एबी नेगेटिव होता है, क्या एबी नहीं पॉजिटिव होता है, अब नेगेटिव वाला ब्लड नेगेटिव को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकते हैं क्या, या पॉजिटिव वाला नेगेटिव को दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते, ये सभी चीजें। और इन सभी के अलावा भी इस ब्लड ग्रुप से क्रॉस मैच से आपके साथ में आपके लिए इतनी लजीज शानदार कंटेंट्स लेकर के जो आपने कभी नहीं पढ़े हैं। ध्यान रखना गाइज, ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये आपकी कैपेसिटी से बाहर नहीं है। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रीवियस आए हुए भी हैं और इन फ्यूचर भी आए हुए हैं, बस मैं आपको औरों से दो कदम क्या बना रहा हूँ, एडवांस बना रहा हूँ। और गाइज ये दुनिया ऐसी है, एडवांस रहना जरूरी है। अगर आप एडवांस नहीं रहोगे तो कोई भी किसी भी टाइम आपको कुचल करके, आपको धक्का मार के, पीछे छोड़ करके आगे निकल जाएगा। सो गाइज अपने को एडवांस रहना है और उसे कुछ ना कुछ क्या पढ़ना, अपने को एडवांस पक्का पढ़ना है। और ये मेरा वादा है, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, एडवांस टीचिंग ही करवाऊंगा, ताकि अगर आप इन फ्यूचर अगर एक महीने, दो महीने, पाँच महीने, छः महीने, साल भर के बाद में भी अगर पढ़ना चाहो इन्हीं नोट से, तो आपको कोई अपडेट्स की, नई अपडेट्स की आवश्यकता नहीं होगी कि भाई अब जो कंपटीशन है वो और भी डेप्थ के अंदर चला गया है। तो माय डियर अब देखो, बार बार आपको कहने की आवश्यकता नहीं हो, आप एक बात ध्यान रखना, जो ही बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है, क्लास स्टार्ट होते ही या फिर आपके पास में 10
पाँच मिनट पहले ही मैं लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको भेज देता हूँ। तो जैसे ही वो नोटिफिकेशन आता है या आपको ग्रुप में लिंक मिलता है तो उसके ऊपर क्लिक करते ही आपको पता लग जाता है कि क्लास पाँच मिनट में, एक दस मिनट में, एक आठ मिनट में, बीस मिनट में, एक आधा घंटे में, कितने देर में स्टार्ट होने वाली है। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करो इसे आप क्लास स्टार्ट होने में पाँच मिनट बाकी है, दस मिनट बाकी है, तो जब टाइम रिमेनिंग रहता है तो आप उस टाइम पर इमीडिएटली उस क्लास को, उस लेक्चर को एक शेयर का मार्क आता है जहाँ पे आप क्लास देखते हो लाइव चैट के जस्ट पास में, वहाँ पे क्लिक करके और व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू अपने कॉलेज के फ्रेंड को, अपने कोचिंग के फ्रेंड को, अपने हॉस्पिटल के फ्रेंड को या फिर जो आपके नर्सिंग स्टडी ग्रुप्स हैं उनके अंदर शेयर ही कर दीजिएगा, ताकि और भी बच्चे अपने साथ जुड़े और अपनी पढ़ाई का जो माहौल है वो और भी इंटरेस्टिंग हो। अब है बहुत बेटर है, लेकिन मैं इससे भी बेटर आपको देना चाहता हूँ। सो गाइज लेक्चर को शेयर करते रहिएगा। और मुझे एक बात बताओ, जो बच्चे अभी लेक्चर देख रहे हैं और फिर भी वो लेक्चर को लाइक नहीं कर रहे, भाई किस खुशी के अंदर लाइक नहीं कर रहे? क्या लाइक करने के अंदर आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर कहने का मैं दर्द होने लग जाता है? अरे भाई जब इतना कुछ कर रहा हूँ आपके लिए तो एक लाइक तो बनता है ना। सो जस्ट लाइक टू दी लेक्चर। थैंक्स ए लॉट ऑल माय डियर से, गुड नाइट, वेरी गुड नाइट। अपन मिलते हैं मॉर्निंग के अंदर 10:30 बजे या फिर 11 बजे के आसपास। मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, नोटिफिकेशन भेज दूंगा, यूट्यूब के थ्रू भी भेज दूंगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी सेंड कर दूंगा। सो बी रेडी, कल का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है मॉर्निंग का, जो मेंसुरल साइकिल का है। कल एबनॉर्मलिटीज अपन डिस्कस कर सकते करेंगे कि मेंसुरल साइकिल की क्या क्या एबनॉर्मलिटीज होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। सो थैंक्स थैंक्स अगेन अलॉट माई डियर से, गुड नाइट, वेरी गुड नाइट, बाय, सी यू इन द मॉर्निंग 8:10:30 AM।